अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं। एक सरकारी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर किसी हॉस्पिटल के, एक DMO साहब हैं, लाजमी बात है उनके नाम में ओ आता है तो ऑफिसर हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं या डिविजनल मेडिकल ऑफिसर हैं। उनका ये एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, तो एक लेडीज़ के साथ उनका बिहेवियर आप चेक कीजिए, उसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आए वीडियो देखते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे। चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर बात होती है। मुझे नाम बताएंगे तो मैं आपसे बात शेयर करूँगी, बाद में आप कोई और ऐसे पर्सन हो जो अनन हो तो आप बात कैसे कर सकते। मैं अनन हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो सर एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी है, अगर तो आप DMA साहब हैं तो मुझे कंफर्म कर दें। नाम बताएं, आपको नहीं अभी तक इन्फॉर्म, मेरे ख्याल से हो गया। आप तो विजिट भी कर रहे हैं कि एमरजेंसी में उन्होंने इतनी बदतमीजी की है, वो आपको डॉक्टर्स की बदतमीजी नहीं दिखी। आपकी बेसमेंट में जो कुछ हुआ है आप इतना रिएक्ट ऐसा कर रहे हैं, आप एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे हैं। आप अगर एक शरीफ आदमी है ना, मैं ऊंचा नहीं बोल रही, मैं आपसे इखलाक से बात कर रही हूँ। अब अपनी उंगली नीचे करें, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इज्जत कर रही हूँ। मुझे नहीं आइडिया ना आपका क्या नाम है, नाम से काम है, काम से काम। मुझे क्या पता आपको होना है, मैं आप बाय फेस तो जान सकता हूं। नाम से काम है, काम से काम है। मेरा नाम DMS है, आगे बताएं। और सर आपको पता है कि आपकी इमरजेंसी में क्या हुआ है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और आप बात सुने, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम। इस वजह से मैं आपसे इतने इज्जत से एहतराम से बात करना चाह रही हूँ। आपने तो ये नहीं कहा कि आप बैठे हम बात, बिकॉज आप तक तो इमरजेंसी के सारे मुद्दे भी आ गए। चले आपको इमरजेंसी के किस्से पता चल गए, पता चल गए, आपको सब पता है, आपको सब पता है। आप यहाँ से 35 मिनट गायब रहते हैं। अब आप कहें कि 35 मिनट से आप यहाँ से गायब हैं, मैं बाहर स्टिल मैं 10 ऑफिस मेरे अंदर हैं, यहाँ से वहां तक हमारी इमरजेंसी टोटल बंद है। एक मैं DMS हूँ ड्यूटी पे, गैप का क्या मतलब ये नहीं कि आपकी मेरी ड्यूटी आप बता है, आराम से बात करें, आराम से क्या बात हो, आराम से जो कोई कंप्लेन करनी है मेरा नाम लेकर आराम से बात करें। तुमने समझा क्या होगा, आराम से बात करें, आराम से क्या मतलब, आराम से बात कर, चलो अच्छा तेरी ऐसी कितना सी, आराम से चल कर, मैं तेरी कुछ ही मैं लोगों को बहुत बहुत समय किया, मैं अपना वो ले लूँगी, मैं आधे घंटे से बात कर रही हूँ, तू अपनी औकात दिखा रहा है, मैं आधे घंटे से बात कर रही हूँ, आधे घंटे से जो आधे घंटे से बात कर रही थी और आप देख सकते हैं। जी तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सरकारी ऑफिसर जो कहा जाता है कि हमारे मुलाजिम हैं, हमारी टैक्स की मनी से इनकी तनख्वाहें जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनके पास एक जो खातून है वो कोई कंप्लेन लेके गई हैं उनके ऑफिसर ऑफिस के मुतालिक, उनके जो जिसमें भी वो इंचार्ज हैं हॉस्पिटल में, उनके किसी डॉक्टर्स की कंप्लेन लेके गई हैं। तो आगे से आप उनका बिहेवियर देख सकते हैं। अभी आप हमें बताएँगे कि आपको किसका बिहेवियर जो है वो गलत लगा, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है कि आप देख सकते हैं कि उसने बहुत ही बदतमीज़ी से बात की है उस खातून के साथ। आगे जो भी उनके मामला थे उससे लाइलम है कोई भी इस वीडियो में वो नहीं मालूम पड़ा कि क्या वजह हुई है, लेकिन जो सरकारी ऑफिसर का एक तरीका कार होता है किसी भी कंप्लेन को सुनने का, तो आप देखें कि वो कोई डिसेंट सी खातून लग रही थी, कोई पढ़ी लिखी हैं, और अगर कोई आम बंदा उनके पास जाएगा तो उसके साथ ये क्या हाल करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये आज की वीडियो जो है एक सोशल जो भी मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थी, सोचा कि आपके साथ शेयर करें और आप भी देखें कि क्या हालात हैं हमारे ऑफिसर्स साहिबान के। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक टाइम से पहुंचे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।